गोमिया प्रखंड के स्वांग कोलियारी में जीएम पंजाबी का स्वांग दौरा, कहा पानी की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। जानकारी के अनुसार स्वांग कोलियारी के न्यू माइनस के करीब 5 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी आए दिन यहां पानी की समस्या लगी रहती है, जिस कारण महाप्रबंधक ने स्वयं 18 मार्च को इस क्षेत्र का दौरा किया और कहा जल्द से जल्द पानी की समस्या से जल्द निजात मिलेगा और सुचारू रूप से ग्रामीणों को पानी मिलेगा। वहीं संबंध में इंटाक नेता अंजनी त्रिपाठी ने कहा क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल है और ऐसे समय में पानी ना मिलना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अगर विभाग के अधिकारी चाहते हैं तो दूसरे दिन ही समस्या का समाधान हो जाता है और लोगों को पानी के लिए मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। R9 भारत के लिए नवीन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पानी जो बाधित है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? पानी तो हम लोग का प्रयास से अभी विगत 6 महीने से बहुत सुधार हो गया था। बहुत जगह पानी हम लोग पाइपलाइन बदलवाए हैं, लेकिन बहुत सा जगह पानी पाइप भी पुराना है जिसके चलते पाइप फट गया और प्रॉपर अटेंडेंट नहीं लेने के कारण इसको लोग व्यवस्था नहीं कर पाया। नहीं तो आज 5 दिन से पानी नहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर ठेकेदार और अगर ओवरसियर और सिविल इंजीनियर अगर चाहते तो ये दूसरे दिन ही इसका निष्पादन हो जाता, लेकिन ये लोग अभी तक इसका नहीं किए। और जब हम लोग पर महाप्रबंधन से इस पर इसकी सूचना दिया तो तब जब जाकर ये लोग कार्य को आगे बढ़ाए हैं। आपका नाम सर? अनिल कुमार त्रिपाठी, RCMS इंटक। जो बाधित है सर उसके क्या बोलना है? पानी की प्रयास किया जा रहा है कि आज हम लोग इस पानी को चालू कर दें, जैसे भी मार करके जो भी उसका इश्यू खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा चीज फिर मिलने लगेगा पानी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। पानी तो रेगुलर मिल ही रहा है। न्यू माइनर्स की वाटर सप्लाई में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, रेगुलर पानी हो गया है। अभी ये टेम्परेरी ब्रेकडाउन है, जो लाइन में कभी हो गया मान लीजिए तो रेगुलर वर्क होता रहता है। आपका नाम था? मैं MK पंजाबी, GM का थारा। समझे? एक बार 11,000 बचा वाला है। देश भर में COVID-19 संक्रमण के प्रचार में वृद्धि होने के कारण कई जगहों पर COVID-19 संक्रमण के मामले दोबारा से बढ़ रहे हैं। इन्हीं असरों को देखते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों को COVID-19 व्यवहार का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित किया है। इस कड़ी में आज जिले में COVID-19 का प्रसार न हो तथा इससे बचाव हेतु आज विभिन्न चेक नाका उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देशानुसार मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं आने जाने वाहन चालकों का मास्क जांच किया, साथ ही दुकानदारों एवं ग्राहकों से मास्क लगाने हेतु प्रेरित करने को कहा। साथ ही उपस्थित पुलिस कर्मियों से सख्ती से मास्क चेकिंग करने का निर्देश दिया। मास्क न लगाने की स्थिति में जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जिले चौक पटेल चौक पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि देश भर में कोरोना दोबारा से व्यापक तौर पर फैल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश पारित किया है कि 18 तारीख यानी कि आज से सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि कोरोना से बचाव बना कर रखें। और इसी के निर्देशानुसार हम लोग आज पटेल चौक पर टाउन थाना के सिपाहियों के साथ चेकिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो मास्क लगा कर रखें और कोरोना से बचाओ और ये लड़ाई जारी रखें। कब तक अभियान चलाया जाएगा? ये अभियान पूरे मार्च तक चलेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके आगे भी चलाया जाएगा। किन किन जगहों पर ये चलाया जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो आज शुरुआत हुई है तो जैसे अंचल कार्यालय में भी सबको अवगत करा दिया गया है इस बात से, लोगों को ये चेक करके ही एंट्री दी जा रही है कि उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं। उसके बाद पहला जगह तो यहीं पर चेकिंग हो रहा है, इसके बाद दूसरे जगहों पे भी जहाँ सघन आबादी रहती है, जहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये अभियान चलाया जाएगा। फाइन की भी कोई सुविधा उपलब्ध है? जी, फाइन की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर लोगों को समझा बुझा के ही काम चल जाए तो बेहतर है, क्योंकि फाइन काफ़ी कड़ा है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि अभी कोई सख्त कदम उठाया जाए। चल जाए तो प्रशासन के लिए भी बेहतर होगा। क्या नाम है सर? R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद साहिबगंज झारखंड से रिपोर्ट।
देशी शराब के साथ दो महिला गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेन चेकिंग अभियान में शराब तस्करी को पकड़ने में बड़ी उपलब्धि हासिल करते रहते हैं। वहीं मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन में आजमगंज भागलपुर पैसेंजर में आरपीएफ पोस्ट साहिबगंज के द्वारा ट्रेन चेकिंग अभियान में 5,440 रुपए की 136 बोतल देशी शराब के साथ दो महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं 136 बोतल शराब एक्साइज विभाग को सुपुर्द किया गया। आनलाइन भारत के लिए साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।